अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम राशिद है और आज का जो फॉर्मूला है वो कॉनकैटिनेट है। कॉनकैटिनेट कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि हम दो वर्ड्स को जो है वो कंबाइन करके लिखते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो आइए हम समझते हैं कि इस फॉर्मूले को किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैं कॉनकैटिनेट करना चाह रहा हूँ, तो इक्वलिटी के साइन से फॉर्मूला स्टार्ट होगा और कॉनकैटिनेट, ठीक है। और इसमें जो पहला वर्ड है उसने कहा टेक्स्ट वन, फिर कॉमा उसने कहा टेक्स्ट टू, टेक्स्ट टू मेरा ये है। और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके, ठीक है। तो ये साजिद हुसैन जो है ये इस तरह से कंबाइन होके आ गया। लेकिन यहाँ पे इशू है, इशू ये है कि साजिद हुसैन जो है वो बिल्कुल आपस में मिक्स करके लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान में कोई स्पेस भी होनी चाहिए। तो स्पेस के लिए फिर मैं यहाँ पर आऊँगा C5 और D5 के दरमियान ये कॉमा, कॉमे के बाद मैं यहाँ पे दो ब्रैकेट्स को यूज़ करूँगा और फिर से कोमा, यहाँ पे फिर से कोमा यूज़ करूँगा और यहाँ पे आके मैं स्पेस दे दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको कर दूँगा ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरम्यान में जो है वो एक स्पेस भी मैंने क्रिएट कर दी है। उसके बाद मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नेम्स जो है वो सेपरेटली आप स्पेस भी इनमें देख सकते हैं और इनको मैंने कंबाइन भी कर दिया कॉनकैटिनेट की मदद से। तो आज का फॉर्मूला यही था कॉनकैटिनेट, जो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और प्रैक्टिस भी कीजिएगा आप इसकी। और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज और मेरा डेली मोशन जो चैनल है वहाँ से मुझे फॉलो कीजिए, मेरी वीडियोज़ को वहाँ से भी देख सकते हैं आप डेली मोशन चैनल से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।